नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। उत्तर प्रदेश की 5 विधान परिषद सीटों, 3 स्नातक निर्वाचन और 2 शिक्षक निर्वाचन का चुनाव 30 जनवरी को होना है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर एक बड़ी बैठक रखी गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, रीता बहुगुणा जोशी, JPS राठौर, प्रतिभा शुक्ला, योगेंद्र उपाध्याय, सिद्धार्थनाथ सिंह समेत कई प्रभावशाली नेता बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक को लेकर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि विधान परिषद चुनाव को BJP के पक्ष में कर सके, इसको लेकर मंथन किया गया और रणनीति तैयार की गई है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि BJP किसी को टारगेट नहीं कर रही, लेकिन अखिलेश की मजबूरी है कि उनके शासन में दंगे हुए, सपा का कैलेंडर ऐसा ही है। भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक प्रदेश कार्यालय में आहूत की गई है, जिसमें हम लोगों ने जो विधान परिषद की 5 सीटें हैं, 3 सीटें स्नातक की हैं, अयोध्या, फैजाबाद और गोरखपुर की स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की, कानपुर, उन्नाव स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और मुरादाबाद, बरेली स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की, 3 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीटों के लिए विधान परिषद का चुनाव 30 तारीख को होना, ऐसी 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीटों का चुनाव होना है, कानपुर उन्नाव और प्रयागराज झांसी। भारतीय जनता पार्टी ने, हमने अपने कार्यकर्ताओं को कार्य का विभाजन किया है और जिन कार्यकर्ताओं को इस चुनाव में लगाया है उनकी आज हम लोगों ने बैठक की है। हमने पूरा अपना रोड मैप 30 तारीख तक का, मतदान के दिन तक का हम लोगों ने बनाया है, किस प्रकार से हमें मतदाताओं से संपर्क करके उन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करना है, मतदान करने के लिए प्रेरित करना है, इस प्रकार की कार्य योजना कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आज पार्टी के हमने बनाई है। ये परंतु बहुत ही वैज्ञानिक रूप से और बहुत ही एक संवैधानिक रूप से इस चुनाव को लड़ा जाएगा। इसमें हम लोग व्यक्तिशास संपर्कों पे ज़्यादा ध्यान देंगे, शिक्षकों के मुद्दे पर बात होगी, उनके सम्मेलन किए जाएंगे और व्यक्तिगत बात सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी पार्टी इसमें बहुत सक्रियता से जुटेगी, क्योंकि देखिए शिक्षक भी समाज का अंग है और शिक्षक कहीं ना कहीं सबसे जुड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सोच से इसमें पूरे देश और शिक्षकों का उसमें काफ़ी संबद्धता है। तो हम लोग उनसे मिलेंगे और ये बात तो बिल्कुल आप पिछले चुनाव में भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनमें अच्छी दखल कर रही है और बहुत अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। तो अब इस चुनाव में सब सीटें जीतनी है, इस लक्ष्य से हम आगे बढ़ेंगे। इसमें एक ही विषय है और विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी को 5 की 5 सीटें जीतनी है और उसके लिए क्या एक वॉर फुटिंग पे वॉर की तरह तैयारी होनी है और हम लोग ये चुनाव जीतेंगे, इसी पे एक गंभीर चर्चा हुई है। हम लोगों को अभी जाके ये पूरी प्लानिंग करनी है और मैं इतना ही कह सकता हूँ, जो एक माइक्रो मैनेजमेंट होता है चुनाव का, वो पूरा माइक्रो मैनेजमेंट किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद जहाँ बेरोजगारी की दर 8% से ऊपर थी, अखिलेश जी छोड़ के गए थे, आज 2.9% रह गई है और आगे आने वाले 4-5 सालों में इसी सरकार में हम ये बेरोजगारी दर को 0 कर देंगे और ये भी स्थिति हो सकती है एक एक नौजवान को 2-2, 3-3 नौकरियों की ऑफर रहे, ऐसी परिस्थिति बनी। आज संगठन ने हम लोगों को आदेश दिया है बैठक में उपस्थित रहने के लिए और जहाँ तक मेरा अंदाज है कि MLC का जो आने वाला चुनाव है, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूशन शिक्षक वाला, उस संदर्भ में बैठक है, रणनीति और जो नेतृत्व तय करेगा उस पर हम अनुसरण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो माहौल है पूरे प्रदेश में और देश में और ख़ासतौर से पढ़े लिखे वर्ग में, तो विशेष तौर से तो चुनाव को जीतने की हमारी तैयारी है, चुनाव जीतेंगे। महिला बाल विकास कल्याण मंत्री प्रतिभा शुक्ला हमारे साथ हैं। मैम, आज बैठक का हिस्सा रही हैं, किन विषयों पर चर्चा हुई है, जो 5 विधान परिषद की सीटें हैं, कैसे उसको अपने पाले में आप लोग लेंगे? हम लोग अपने अपने काम में लगे हैं, सब लोग जिम्मेदारी से इसके अंडर में जो है, सब लोग अपने अपने जिम्मेदारी से उसका निर्माण करें।
आज क्या चर्चा हुई है, क्या रणनीति बनी है? रणनीति बताएंगे अध्यक्ष जी निकल कर। हम तो इतना ही कहेंगे, जिसके पास जो जिम्मेदारी है उसको ईमानदारी से उसका निर्माण करेंगे और हम लोग चुनाव को जीतेंगे। पांच सीटों में से कितनी सीटों पर जीतते हुए दिख रही है? कानपुर के विषय में बता सकते हैं अपने कि कानपुर हम लोग जीतेंगे। क्या स्थिति है वहाँ? बढ़िया स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है, और हम पाठक जी की बहुत अच्छी स्थिति। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि विधान परिषद में हम भाजपा की बड़ी चोट देंगे, इसको इस बयान पर क्या सोचती है? और सभी की अपनी अपनी तैयारी होती है, वो तो परिणाम आने पर पता चलेगा जी। तो हमारे साथ मौजूद थी महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्री प्रतिभा शुक्ला, जिनका साफ तौर पे कहना था कि भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद की पांचों सीटों पर भारी बढ़त बना के जीतेगी और आगे के चुनाव भी हम जीतते आएंगे। कैमरामैन विजय के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।